भाई साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए बाजार, बताएं सर पहले तो अपडेट और इस हफ्ते के लिए बाजार का आउटलुक भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, तो अपडेट तो आपको मैं दे रहा हूँ कि आपको परसों ही कहा था कि निफ्टी में अब एक शॉर्ट टर्म रैली बन रही है, और आपको पता ही है कि फॉरेनर्स बिकॉज ऑफ बॉन्ड यील्ड, मैं उसमें इतना दो राय नहीं दूंगा, लेकिन लोकल फ्लोज इतने स्ट्रांग है कि मुझे कोई दो राय नहीं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होएगा। आपने देखा है ऑटो और आईटी में नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं, और ऑटो में एज ए कॉन्ट्रेरियन मैं कई दिन से हीरो मोटो कह रहा था, देखिए नंबर्स कितने अच्छे हैं, आइशर और हीरो बोथ आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बैंक्स में मुझे लगता है पेसिमिज्म ज्यादा है, बैंक्स में नंबर्स भी अच्छे हैं और ये एक रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है, वहां पे मुझे लगता है बाइंग होनी चाहिए। अपडेट दे दूं आपको, फेडरल बैंक मैंने कहा था और एलआईसी हाउसिंग, दोनों में मैं कायम हूं। आई एम मोर ओवरवेट ऑन मॉर्गेज कंपनीज, और फेडरल बैंक जैसे मैंने आपको कहा था कि गोल्ड लोन और केरला से जो उनका डिपॉजिट ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है। यूपीएल आपको क्लोजिंग सेशन में दिया था 770 रुपए पे, 784 हो गया है, 788 एंड अबव प्रॉफिट बुक कीजिए। और हीरो होंडा और टाइटन, दोनों मेरे, टाइटन को मैंने दो तीन दिन पहले दिया था, दोनों के टारगेट ऑलमोस्ट हो गए, वहां पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर सकता है। अब आपके लिए दो बायस हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बताएं सर आज के दोनों ही दमदार बाय कॉल्स। तो पहला तो होएगा अनिल जी, देखिए मैं वीकेंड पे चेन्नई होके आया हूं, और उससे पहले आपके साथ मुंबई आया था सर। दिल्ली एयरपोर्ट में तीन तीन घंटा लगता है जस्ट टू गेट इन, और जिस तरह से मैंने चेंज देखा चेन्नई में, हाउ फास्ट इंडिगो इज एबल टू चेंज देयर, यू नो, मैंने फ्लाइट जो लैंड करती है और डिपार्ट करती है, इट्स अमेजिंग। तो मेरे को कोई दो राय नहीं कि इंडिगो का तो जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही है और नंबर्स ऐड कर रहे हैं, दे यील्ड्स आर गोइंग टू राइज। 2315-20 में लीजिए। पहले केवीएट दे दूं, ये शेयर चल चुका है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन इसका भाव मेरे हिसाब से तो 2430 का जाएगा। 2315-20 में लीजिए, 2280 का स्टॉप लॉस, क्योंकि ये 7% मंडे फ्राइडे को चला, लेकिन यू मस्ट बी इन द स्टॉक विच इज अ लीडर, और 2425-2440 का टारगेट। दूसरा बाय मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा बैंक जो मैं सबसे बुलिश हूं, एचडीएफसी बैंक, और बैंक्स में अगर चलना है, इंडेक्स में और जाना है, तो एचडीएफसी ने जरूर चलना है। 1565 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1545, टारगेट ऑफ 1620। ओके, तो दो बड़े दिग्गज स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय, और सबसे बढ़िया बात है कि एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने की राय, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एचडीएफसी बैंक अगर चलेगा तो आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए भी सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। इंडिगो, एचडीएफसी बैंक, दोनों ही बेहतरीन पिक्स है बसीन साहब की तरफ से। धन्यवाद सर, ये दो बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने